जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार प्रबल मंथन में। मैं प्रसून आज आप लोगों का एक बार फिर से आपके इस बहुत ही प्यारे से परिवार में स्वागत करता हूं। जितने भी साथी हैं सभी लोग इस क्लास में आ जाइए, क्योंकि आपकी क्लास अब शुरू हो चुकी है और बेहतर तरीके से एक एक साथी मिलकर जुड़ेंगे ताकि हम लोग इस क्लास को बेहतरीन बना सकें। ठीक है जी, तो जितने भी लोग हैं सभी लोग आ जाइए, बेहतर तरीके से क्लास में जुड़ेंगे और एक एक करके सभी साथी बातों को अच्छे से सुनेंगे ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो पाए। तो आज की क्लास की शुरुआत आज हम लोग कर रहे हैं बहुत ही प्यारे से प्रश्न के साथ, और आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग अच्छे से करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग 110% बता देंगे। चलिए लेकिन देखते हैं कि आखिर में ये क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। ये आपके फिजिक्स आप लोग चिल्ला रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो फिजिक्स के क्वेश्चन को आज ज्यादा रखते हैं, बनिस्पत आपके केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बात करें, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बोला कि एक रेसिंग कार किसी सीधी सड़क पर विरामावस्था से त्वरण लेते हुए 25 सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड की चाल से आपके प्राप्त कर लेती है, यह मानते हुए कि कार का त्वरण पूरे समय के दौरान आपके एक समान है। इस समय में तय की गई दूरी की बात करें तो आपकी क्या होगी। तो सबसे पहले इस प्रश्न को अप्रोच करने का तरीका आपके पास क्या होगा कि यहाँ पे बात दे रहा है कि ये विरामा अवस्था से आपके क्या हो कि किसी कार की शुरुआत हो रही है, वो अभी क्या है भाई साहब, उसका इनिशियल जो पोजीशन है वो आपके क्या है, एड्रेस्ट है। कहने का मतलब विरामा अवस्था की बात करते हैं तो जब कोई वस्तु विरामा अवस्था से अपनी गति प्रारंभ करे तो इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो जीरो हो जाएगा। जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा तो आपने पढ़ा है कि v इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस एटी के बारे में बात करते हैं। अब आपके पास तो फाइनल वेलोसिटी तो दिया ही है, फाइनल वेलोसिटी कितना है तो 50 मीटर पर सेकंड की बात करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास जीरो, एक्सेलरेशन का वैल्यू आपको नहीं पता है, लेकिन टाइम आपको जरूर दिया है, 25 सेकंड के बारे में बात किया जा रहा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 ए की बात करते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन का वैल्यू जब आप निकालिएगा तो 50/25 की बात करें यानी कि आपकी क्या हो जाएगा, 2 m/s² के बारे में बात करें, ये आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं हमारे पास निकालना क्या है तो आपके तय की गई दूरी की मान ज्ञात करनी है। अब दूरी के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा तो s इक्वल टू आपके पास क्या होता है, 1/2 at² और जहां पे भी विरामावस्था की बात करें तो जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा तो अब इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, s इक्वल टू 1/2 at² आ जाएगा। अब s के बारे में बात करें तो हमको पता करना है एक्सेलरेशन हमारे पास कितना दिया है, 2, और टाइम हमारे पास कितना है वैसा तो 25 सेकंड, यानी कि 25 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और डिस्टेंस है तो इसका इसमें इसकी मात्रक की बात करें तो आपके क्या हो जाएगा, मीटर, यानी कि s के बारे में बात करें तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब क्या बचा भाई साहब, 25 का स्क्वायर और यहाँ पे मीटर की बात करते हैं, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, 625 मीटर की बात करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपके पास कितना हो जाएगा, 625 के बारे में बात करें, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन को देखिएगा तो इसको अप्रोच कैसे करेंगे, सबसे पहले आपका नजर इस पे होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी जो बातें हैं इसको आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए तो आगे बढ़े, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। बहुत बढ़िया, अब अगर आप लोगों से पूछा जाए, देखिएगा ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। बोला कि पायरी हीलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है। अब बताइए तो आप लोग कि पायरी हीलियोमीटर के बारे में बात करें, इसको मापने के इस निम्न में से किसे मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो क्या सन स्पॉट की बात करें, गलत जवाब, सोलर रेडिएशन को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, पायरा हीलियोमीटर की बात करते हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेगा। अब आपको मैं कुछ बातें सिखा रहा हूँ, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए पायरोमीटर के बारे में बात करते हैं, ये पायरोमीटर का किसके लिए प्रयोग किया जाता है, आप सभी को पता है, तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के बारे में बात करें, इसको आप लोग अच्छे तरीके से थोड़ा नोट कर लेंगे। सेंटीग्रेड के बारे में बात करते हैं, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान के अगर बात करते हैं, अधिक तापमान के माप करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, अधिक तापमान के माप के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो आप सभी लोगों को पता है जिसको पायरोमीटर के नाम से जाना जाता है।
अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए फोनोमीटर को फोनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि फोनोमीटर की बात करते हैं तो बातचीत के दौरान अगर देखते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, बातचीत के दौरान अगर बात करते हैं, ध्वनि की तीव्रता की माप के लिए अगर बात करते हैं, दौरान किसके लिए भाई साहब, ध्वनि की तीव्रता के माप के लिए अगर बात करते हैं, ध्वनि की तीव्रता के माप के लिए अगर बात करते हैं तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो आप सभी को पता चल गया फोनोमीटर के बारे में बात करते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को पता होगा ओडोमीटर के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, ओडोमीटर के बारे में बात करते हैं, तो दूरी की माप करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, दूरी के माप के लिए अगर बात करते हैं ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। और एक किसमें भाई साहब, तो वाहनों में अगर देखा जाए, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेगा। अब आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि आपके द्रव के घनत्व की माप करना है, किसके बारे में, द्रव के घनत्व की माप करनी है तो इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप सभी लोगों को पता है ये आपके हाइग्रोमीटर के बारे में बात करते हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेगा। साथ ही साथ आप लोगों से ये भी पूछा जाएगा कि क्यूसेक का प्रयोग किसके लिए काज किया जाता है, तो आप सभी लोगों को पता है कि द्रव के प्रवाह की दर को ज्ञात करने के लिए, किसके बारे में बात करें, द्रव के प्रवाह की दर को ज्ञात करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ज्ञात करने के लिए हम लोग क्यूसेक का प्रयोग करते हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है जी, ये सारी के सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों से ये भी पूछा जाए, किसके बारे में पूछा जाए, सोनार के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, सोनार के बारे में, तो इसको क्या कहा जाता है, आप लोगों को पता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग के बारे में बात करते हैं, क्या कहा जाता है भाई साहब, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग के बारे में बात करते हैं। और इसका सबसे अधिक प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो ये आपके नौ संचालन के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, नौ संचालन के लिए अगर देखा जाए तो ये किस कौन प्रयोग करते हैं, नौ संचालकों के द्वारा अगर देखा जाए, नौ संचालन के लिए अगर बात करते हैं, नौ संचालकों के द्वारा अगर बात करते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा, इसका प्रयोग किया जाता है। या अगर बात करते हैं महासागरों की बात करते हैं, किसमें भाई साहब, महासागरों के बारे में बात करते हैं, महासागरों में डूबी आपके वस्तुओं की स्थिति की जानकारी के लिए, किसके बारे में बात करते हैं, वस्तुओं की स्थिति की जानकारी के लिए अगर बात करते हैं तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं भाई साहब, तो आप सभी को पता होना चाहिए ये हम लोग सोनार का प्रयोग करते हैं, इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। साथ ही साथ ओडोमीटर के बारे में बात करें, स्पीडोमीटर की बात करें, पाइरोमीटर की बात करें, फिर आपके फोनोमीटर के बारे में बात करें, अब इसी को बात करते करते आप लोगों के पास एक और बात आ जाती है जिसको क्या कहते हैं, वातावरणीय आर्द्रता को मापने के लिए अगर बात किया जाए, वातावरणीय आर्द्रता की माप के लिए अगर देखा जाए, आर्द्रता की माप के लिए अगर बात करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं भाई साहब, हाइग्रोमीटर के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, हाइग्रोमीटर के बारे में बात करते हैं, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेगा। अब आप लोगों को ये भी पता है कि वायुमंडलीय दाब की माप करने के लिए, वायुमंडलीय दाब के बारे में बात करते हैं, इसकी माप करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, किसका प्रयोग करते हैं, बैरोमीटर का यूज करते हैं। ये सारी की सारी बातें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान जरूर रखिएगा। किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे बताइएगा। अब अगर आप लोगों से पूछा जाए कि दूध की शुद्धता की माप करनी है तो किसका प्रयोग करेंगे, लैक्टोमीटर के बारे में बात करते हैं। सोने की शुद्धता की माप करनी है तो कैरियोटोमीटर के बारे में बात करते हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं ना, ये काफी महत्वपूर्ण और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है, इसको आप लोग नोट करिएगा। अब चलिए आप लोगों से अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जरा सा इसको देखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आपके स्क्रीन पे है, बोल रहा है कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। अच्छा जी, अगर आप लोगों से पूछा जाए एक माइक्रोन के बारे में बात करें, नैनोमीटर की बात करें, परमीमीटर की बात करें, पिकोमीटर की बात करें, एंगस्ट्रम के बारे में बात करते हैं, तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए एक नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए 10^-9 मीटर के। एक माइक्रोन के बारे में बात करते हैं, ये एक आपके माइक्रोन मीटर के बारे में बात करते हैं, तो ये आपके 10^-6 मीटर के क्या होगा, इक्वल होगा। अगर बात करें फर्मी मीटर की बात करते हैं, तो एक आपके क्या FM लिख देता हूं यहाँ पे, तो ये कितने के इक्वल होगा, 10^-15 मीटर के इक्वल होगा।
अगर एक एंगस्ट्रम की बात करते हैं तो कितना 10^-10 मीटर के इक्वल होगा। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए तो ये आप लोगों को बताना है कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या हो सकती है। तो दिए गए ऑप्शन की बात करें तो परमी मीटर इस प्रश्न का सही जवाब आपके पास हो सकता है। ठीक है जी, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए एक पिकोमीटर की बात करें तो 10^-12 मीटर के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है जी, अब आप लोगों से ये भी पूछा तो जा सकता है ना कि बताइए एक kWh के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? एक kWh कितने के इक्वल होता है? तो आपको पता है 3.6 × 10^6 जूल के इक्वल होता है, ये भी बात आपको पता होगी। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि एक HP के बारे में बात करते हैं तो ये कितने के इक्वल होता है? 746 वाट के इक्वल होता है। लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि 1 kW कितने हॉर्स पावर के इक्वल होता है तो 1.36 हॉर्स पावर के इक्वल होता है। इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। तो अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए 1 kW कितने के इक्वल होता है तो अप्रोक्सीमेटली 1.36 HP, कहीं कहीं आपके 1.34 HP भी लिखा हुआ मिलता है। तो अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो दोनों सही होगा। दोनों में से जिसको आपको लेना होगा आप आराम से ले लेना, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी की बात यहाँ पे नहीं आएगी। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखना। अब आप लोगों से ये भी तो पूछा जाता है कि बताइए एक पार्सेक जो होता है वो कितने आपके मीटर के इक्वल होता है। तो आप लोग क्या बताते हैं? 3.085 × 10^16 मीटर के इक्वल होता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए एक प्रकाश वर्ष के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में? एक लाइट ईयर के बारे में बात करते हैं, और ये सारे कहीं ना कहीं दूरी की लंबाई के बारे में ही बताता है, ये बात आप लोग जानते हैं। एक प्रकाश वर्ष जो है ये 9.46 × 10^15 मीटर के इक्वल होता है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन अब यहीं पे आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा आप लोग इसको देखिए, पूछा जाएगा कि एक पार्सेक का एक प्रकाश वर्ष के साथ क्या रिलेशन है। तो आप लोग याद रखेंगे 3.626 अगर बात करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए, एक पार्सेक इक्वल टू 3. अरे यार इसको क्या हो गया, 626 के बारे में बात करते हैं, ये आपके प्रकाश वर्ष के इक्वल होता है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। कितने के भाई? 3.626 के बारे में बात करें, सॉरी 262, यहाँ पे थोड़ा सा डाटा आप लोग करेक्ट कर लेंगे, 3.262 के बारे में बात करते हैं, कितने प्रकाश वर्ष के क्या होता है ये इक्वल होता है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। हाँ नहीं 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 हिना, ये तुमको किसने बता दिया? तुम अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं कर रही हो। देखो कैसे मैं तुमको समझाता हूँ, यहाँ पे तुमको पावर देखने आता है। अगर मैं मान लो तुमसे हिना क्वेश्चन पूछू, ध्यान देना, चलो मैथ्स तुमको सिखाता हूँ थोड़ा सा, तुम्हारे मैथ्स में थोड़ी सी कमजोरी दिख रही है। अगर तुमसे बोलू कि -9 - -6 में दोनों में बड़ा कौन है तो तुम क्या बताओगे? जल्दी मुझे बताओ, -9 और -6 में बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो बोलोगे देखो सर यहाँ पे निगेटिव की बात हो रही है, तो -6 क्या होगा? बड़ा होगा। -9 क्या होगा? छोटा होगा। लेकिन यहीं पे अगर पूछा जाए कि 6 और 9 में बड़ा कौन होगा, तो बोलेंगे कि सर जी 9 बड़ा होगा, 6 छोटा होगा। कहने का मतलब क्या है कि इसके पावर को देखो, अच्छे से ध्यान दो, सारे तो आपके लंबाई के बारे में ही बात की जा रही है ना, चाहे आपके माइक्रोमीटर की बात करें, चाहे आपके नैनोमीटर की बात करें, चाहे आपके परमीमीटर की बात करें, फेमटोमीटर भी बोल लो, चाहे आप एंगस्ट्रम के बारे में बात करो, सारे तो लंबाई से ही रिलेट किया जा सकता है। लंबाई को किसमें मेजर करते हैं भाई साहब? तो मीटर की बात करते हैं। आपको भी पता है कि लंबाई के मात्रक की बात करें, एसआई मात्रक तो मीटर होता है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए -6, -9, -15, -10 में कौन सबसे छोटा होगा भाई साहब, तो सिंपल सी बात है 10^-15 होगा सर जी। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो परमी मीटर, ये बाबू बबनी ही ना, ये फिजिक्स है, फिजिक्स इज जस्ट लाइक अ मैथ। इसमें कुछ ज्यादा रटने पटने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझने की जरूरत है, फिर आप इस चीज को अच्छे तरीके से कर दोगे। तो ये क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए जहां तक मुझे लगता है। अब देखिए भाई साहब अच्छे तरीके से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बोला कि एक व्यक्ति 60 km/h के वेग से गतिमान रेलगाड़ी में बैठा है। अब सोचिएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है और बेहतर तरीके से याद रखिएगा। तो बोला कि एक व्यक्ति जो है ये 60 km/h के बारे में बात करते हैं कि वेग से गतिमान रेलगाड़ी में बैठा है। तो व्यक्ति क्या है? रेलगाड़ी में बैठा है। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि रेलगाड़ी के सापेक्ष अगर बात किया जाए, रेलगाड़ी के सापेक्ष अगर व्यक्ति के वेग के बारे में बात करते हैं, इसके व्यक्ति के वेग के बारे में बात करें तो किसके बारे में बात करेंगे भाई साहब? VAB के बारे में बात करेंगे, यानी कि VA की बात करें, और ये अगर इसके सापेक्ष की बात करें, यानी कि ये निगेटिव ऑफ क्या हो जाएगा? V हो जाएगा।
यानी कि अगर बात करें एक आपकी रेलगाड़ी के वेग की बात करेंगे, एक आपके व्यक्ति, तो जो जो व्यक्ति अब आपके रेलगाड़ी में ही बैठा है और रेलगाड़ी गतिमान है, तो व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, इसका भी वेग आपका कितना होगा, 60 किलोमीटर पर घंटा ही होगा। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि इसके वेग में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन इसके डायरेक्शन में क्या होगा, बदलाव होगा, एक दूसरे के अपोजिट वर्कअप करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि वीएवी के बारे में बात करें तो 60 - 60 क्या हो गया भाई साहब, 0। तो जब आपको पता चल गया कि रेलगाड़ी के सापेक्ष व्यक्ति का वेग जब 0 है तो व्यक्ति का चाल भी क्या होगा, 0 होगा। इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो रेलगाड़ी के सापेक्ष इसकी चाल की बात करेंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 इज द राइट आंसर। तो ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। बहुत बड़े बड़े विद्वान इस प्रश्न को गलत बना सकते हैं, इसको ध्यान देना है। तो अगर आप किसी फ्रेम में बैठे हैं और वो आपका फ्रेम चल रहा है, वो भी आपके मोशन में, तो जो उसका स्पीड होगा वही तो आपका स्पीड होगा, जो उसका वेलोसिटी होगा वही आपका वेलोसिटी होगा, उसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा। तो इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेना। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको मैं ले चलता हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार आप लोग देख लीजिए, मैंने क्या बताया, अच्छे से मेरी बात को सुनना। मैंने कुछ आपके क्या बताया, जिसको किसमें मेजर किया जाता है, कौन किससे रिलेटेड है, इसके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की। जैसे आपसे मान लो किसी ने पूछा कि समुद्र की गहराई की माप जब हमको करना है तो कौन से यंत्र से समुद्र की गहराई की माप करेंगे, तो आप चिल्ला के बोलते हैं कि सर जी फैदोमीटर से। बात समझ पा रहे हैं? अगर हम लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे कि समुद्र की बात करें या कहीं भी अगर कोई वस्तु डूब जाती है उसकी स्थिति का पता लगाना है तो हम लोग कौन से किसका प्रयोग करेंगे, सोनार का प्रयोग करेंगे। अगर आपको मान बहुत अधिक की ऊंचाई की चीजों को, बहुत अधिक की वस्तुओं की ऊंचाई को ज्ञात करना है तो हम लोग किसके बारे में, अल्टीमीटर के बारे में बात करते हैं। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक की अगर बारे में बात करते हैं, क्या माप करना है हमको, टेम्परेचर की माप करना है, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, पाइरोमीटर की बात करते हैं। अगर हम आपस में बातचीत कर रहे हैं और हमारे जो साउंड है उसके इंटेंसिटी के बारे में बात करना है, उसके इंटेंसिटी को मापना है, तीव्रता को जानना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, फोनोमीटर का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए आप दूध के बारे में बात करते हैं तो दूध की शुद्धता की जांच आप कैसे करते हैं, मैंने अभी बताया, तो आप लैक्टोमीटर से इसकी जांच कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी बातें आपको पता है। अब अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए रिंगलमैन स्केल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो रिंगलमैन स्केल का प्रयोग आपके धुआं के घनत्व के बारे में बात करते हैं, धुआं समझते हैं, स्मॉग के बारे में बात करें, उसके घनत्व को मापना है तो आप लोग किसका प्रयोग करते हैं भाई साहब, रिंगल अगर बात करते हैं, जिसका नाम क्या है, रिंगलमैन स्केल के बारे में बात करते हैं, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो रिंगलमैन स्केल का संबंध है आपके जो धुआं का घनत्व होता है उसके मेजरमेंट की बात करें। लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि द्रव के घनत्व की माप करनी है तो हम लोग हाइड्रोमीटर की बात करते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि वायुमंडलीय आर्द्रता की माप करनी है तो हाइग्रोमीटर के बारे में हम लोग बात करते हैं। समझ पा रहे? ये सारी की सारी चीजें आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो अगर कहने की बात करें प्रकाश वर्ष की बात करें तो दूरी के उदय। अगर आप लोगों से आज के बाद कोई भी पूछे कि एक प्रकाश वर्ष कितने के इक्वल होता है तो आप चिल्ला के बताना 9.46 × 10⁻¹⁵ मीटर। एक पार्सेक कितने के इक्वल होता है तो आप लोगों को क्या बताना है, 3.085 × 10⁻¹⁶ मीटर की बात करें। अब मैंने आपको एक बात और बता दिया कि प्रकाश वर्ष को पार्सेक के साथ कैसे रिलेट करेंगे, तो एक पार्सेक जो होता है ना वो आपके कितने के इक्वल होता है, 3.262 आपके प्रकाश वर्ष के इक्वल होता है। और जब भी पार्सेक के बारे में बात करते हैं तो ये आपके खगोलीय दूरी के बारे में बात करें उसके मेजरमेंट से संबंधित आपका हो जाता है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो चलेगा, पार्सेक के बारे में समझ गए, समय की इकाई ये तो आपके बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। डेसिबल आपके ध्वनि तीव्रता की इकाई, सही बात है। अब यहीं पे आपको एक बात आ जाएगा, किसके बारे में, डॉब्सन यूनिट के बारे में बात करते हैं। अगर आपसे पूछ दे मान लो एग्जामिनर कि अच्छा सर डॉब्सन यूनिट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो जो आपके ओजोन परत होती है ना उसकी मोटाई को मापने के लिए हम लोग डॉब्सन यूनिट का प्रयोग करते हैं। उसकी मोटाई की जो माप होती है वो किस में होती है, डॉब्सन यूनिट में होती है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। हर्ट्ज के बारे में बात करें तो ये आपके आवृत्ति की इकाई होती है। इस प्रकार से देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात करें, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अब देखो तुमसे और भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्या पूछा जाएगा अच्छे से थोड़ा सा ध्यान देना। अब मान लो कि एक व्यक्ति है यहाँ पे ये आपका क्या है, काला है, और एक व्यक्ति है यहाँ पे क्या है, गोरा है। भाई काले गोरे का तो भेद नहीं करना है,
लेकिन मेरे प्यारे साथियों आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपके पीसीएस का क्वेश्चन था, एक बार पूछ लिया गया कि मान लीजिए कि कोई काला और कोई गोरा व्यक्ति है तो उसको कौन से दिन में ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो अगर बात करें काला जो आपके व्यक्ति है ना, इसको ज्यादा गर्मी का एहसास होगा और कम सर्दी का एहसास होगा, इसको याद रखेंगे। यानी कि जो काला व्यक्ति है इसको क्या होगा भाई साहब, तो आपके ज्यादा गर्मी का एहसास होगा, आप सभी लोगों को पता है ज्यादा क्या होगा, गर्मी का एहसास होगा अगर आप लोगों से पूछा जाए, और आपके क्या होगा, कम सर्दी का एहसास होगा। क्या ऐसी बात है क्या, कम सर्दी का क्या हो जाएगा, एहसास होगा, इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से याद जानते हैं। और क्यों जानते हैं ये भी आप लोगों को पता है कि कौन किसको अवशोषित करता है और कौन किसको रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, तो काला और उजले के साथ रिलेशन आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, ये सारी बातें आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। मान लीजिए कि आप अपने घर में बैठे हुए हैं, सपोज कीजिए, है, और आपको क्या लगा भाई साहब ठंडी का मौसम था, ज्यादा ठंड लगने लगी, आप कप कपाने लगे, आपने देखा कि अरे भाई हमारे घर में तो रेफ्रिजरेटर, और क्या किया, रेफ्रिजरेटर के डोर को खोल दिया। जब रेफ्रिजरेटर के डोर को खोला तो अब रेफ्रिजरेटर का काम क्या होगा, जितना एरिया उसको दिख रहा है सब एरिया में वो क्या करेगा, हीट करने का काम करेगा, और हीट करने का काम करेगा तो उसका मोटर अत्यधिक क्या होगा, कार्यशील हो जाएगा, और जब मोटर अत्यधिक कार्यशील होगा तो उष्मा क्या होने लगेगी, निकलने लगेगी, और जब उष्मा निकलने लगेगी तो जिस रूम में आपने रेफ्रिजरेटर को खोला है बबुआ, वो रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, आपके रूम को हॉट कर देगा, क्या कर देगा, हॉट कर देगा, यानी कि गर्म कर देगा। यानी कि कहा जाता है कि रेफ्रिजरेटर को अगर आप अपने घर में या कहीं भी रखा है वहां पे खुला छोड़ देंगे तो उस जो एरिया है वहां के आपके तापमान की बात करें तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी कि किसिया उसिया के दिमाग खराब कर देगा, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ आपको मैं लिए चलता हूँ, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए, बोला कि मोटर कार में शीतलन तंत्र, अब बताइएगा मोटर कार में इंजन को ठंडा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो रेडिएटर का। अब मान लीजिए कि गर्मी के मौसम में है भाई साहब मोटर गाड़ी को यूज कर रहे हैं, भटभट भटभट उड़ रहा है आपका बुलेट, अब मान लीजिए कि इंजन में ज्यादा गर्मी आ गई और इंजन में गर्मी आने के चलते हीट ज्यादा पैदा हुआ, और जब हीट ज्यादा पैदा हुआ भाई साहब तो ब्लास्ट हो गया, अब ब्लास्ट हुआ तो जीजा जी साली जी के साथ वहीं पे धराम हो गए। कहने का मतलब क्या है मेरे प्यारे साथी, किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई अनदर पार्ट होना चाहिए। अब जहां भी हाथी चलेगी उसके पीछे एक ऊंट चलेगा, क्योंकि हाथी मान लो कि अगर सनक गई तो ऊंट उसका कान चबाएगा और उसको कंट्रोल रखेगा भाई साहब, बात समझ में आ रहा है, वो अपने मालिक से भी नहीं मानेगा, वहां पे ऊंट की जरूरत उसको होगी ही होगी। कहने का मतलब क्या है भाई साहब, अगर इंजन की बात करते हैं मोटर गाड़ी मोटर कार जिसकी भी बात करें, उनके इंजन में रेडिएटर का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि वो उसको क्या रखे, ठंडा रखे, क्या रखे, ठंडा रखे, यानी कि कूल रहेगा तो मामला भी कूल रहेगा। तो अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपके केवल चालन, बिल्कुल आपके गलत जवाब है भाई साहब, केवल संवहन की बात करें बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि कन्वेक्शन पे आपका काम करता है, कन्वेक्शन के सिद्धांत पे आपका कौन काम करता है, तो मोटर कार में शीतलन तंत्र की बात करें जिसको रेडिएटर कहा जाता है वो कौन से पे काम करता है भाई साहब, तो इसका मतलब है कि केवल संवहन। अब मान लीजिए कि जीजा जी है थोड़ा गरीब है, है? अपने साली जी के लिए एक बुलेट खरीद के लाए, अब बुलेट क्या था, दो नंबरिया था, अब बुलेट दो नंबरिया था, ज्यादा धुआं फेंक रहा था और साली जी पीछे बैठी हुई थी, और उस साली जी को क्या हुआ, उस धुएं का रिएक्शन हो गया और धुआं सीधे उनके नाक में पहुंचा, नाक में पहुंचा हीमोग्लोबिन के साथ उसका रिएक्शन हुआ, और जब रिएक्शन हुआ तो मामला क्या हो गया भाई साहब, धराम हो गया, साली जी वहीं पे गिर गई, जीजा जी को पता चला बाप रे बापी तो मेला लेके आया था, दूसरा ही खेला हो गया। यानी कि इसका मतलब है कि भाई साहब उनके खून के में अगर बात करते हैं, उनके खून में कहीं ना कहीं कुछ दोष आ जाएगी, यानी कि वो हीमोग्लोबिन अब नहीं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर चुका होगा और इस प्रकार से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। जीजा जी मुंह से फूंक रहे हैं फूंक रहे हैं फूंक रहे हैं, फिर भी कोई साली जी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब आप लोग समझ गए, कहने का मतलब आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर आपके पास क्या हो जाएगा, कन्वेक्शन ओनली इज द राइट आंसर। अब अगर बात करते हैं, आप लोगों को पता है, आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब मान लीजिए कि भाई साहब क्या हुआ, दोनों लोग पकौड़ी तल रहे हैं, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, आज गजब का क्वेश्चन है, बोले कि निम्न में से किसके द्वारा अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है। अब मान लीजिए कि आप दोनों लोगों की शादी फिक्स हो गई, एक का नाम हीर और एक का नाम रंधा है, और दोनों ने मिला दिया बजा, दोनों ने मिलकर बजा दिया एक दूसरे का बाजा,
यानी कहने का मतलब क्या, दोनों में डिस्कशन हो रहा है और ये फिजिक्स का विद्वान है, ये केमिस्ट्री के विद्वत क्या है भाई साहब, विदुषी है। अब बोला कि निम्न में से किसके द्वारा अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होगा, तो वो बोल रहे हैं कि भाई उबलता हुआ पानी अगर तुम्हारे देह पे डाल दू तो भाई साहब दिक्कत हो जाएगा। ये बोले छोड़ो ना उबलता हुआ पानी, मैं तो तुम्हारे स्टीम से तुमको भाई साहब मात दे दूंगे। फिर ये बोलता है ना गर्म हवा आएगा और तुमको फंसा के ले जाएगा। ये बोलते है ना ये सूर्य की किरणें जो है ना तुम्हारे त्वचा पे पड़ेगी और तुम्हारे त्वचा को बदरंग करके चली जाएगी। देखो सब अपने जगह पर सही है, कहीं ना कहीं सबसे कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचेगा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो पहुंचेगा वो भाप से पहुंचेगा। क्या होगा भाई साहब? भाप से। और क्यों भाई साहब? तो इसमें ज्वलन की गुप्त उष्मा होने के चलते, भाई साहब गुप्त का मतलब समझते हैं ना, गुप्त रूप से काम कर रहा है, तो ज्वलन की अत्यधिक गुप्त उष्मा होने के चलते स्टीम सब पे भारी पड़ेगा, और स्टीम से अगर कहीं आपको इधर उधर पड़ेगा फुरा उरा ना, तो बाप रे बहुते दर्द करेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भाप इज द राइट आंसर। भाप है सबका बाप, भाप है सबका क्या बाप। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ, आपको मैं लिए चलता हूँ। तो ये किसके चलते हुआ भाई साहब? तो ये आपके ज्वलन की गुप्त उष्मा के चलते ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, इस बात को तुम ध्यान रखना, नहीं तो बाबू फंस जाओगे, फिर बड़ी पछताओगे, इस बात को ध्यान रखना। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। बोला है कि उजले दिन किसी स्थान का तापमान फॉरेनहाइट पैमाने पर कितना है? 135 है। कोई बात नहीं, है तो रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कहां हमको परेशान कर रहा है कि इसको मैं भी परेशान करूं। तो बोल रहा है कि इस तापमान का केल्विन स्केल पाठ्यांक कितना होगा? अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन के बारे में आपसे बताऊंगा, और आप अच्छे से कंसंट्रेट करेंगे तो आपको हजारों क्वेश्चन बनेंगे, इस बात को याद रखना। अब देखो यहाँ पे एक होता है फॉरेनहाइट, ध्यान देना अच्छे तरीके से, मेरी बातों को सुनना। यहाँ पे होता है आपके सेल्सियस के बारे में बात करें या जो भी बोल रहे, यहाँ पे आर की बात करते हैं और यहाँ पे के की बात करते हैं। अब यहाँ पे सब में कुछ ना कुछ संबंध होता है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप लोग याद रखिएगा, एक माइनस क्या होता है भाई साहब? 32 होगा। अपॉन में यहाँ पे क्या होगा? 9। इक्वल टू क्या होगा? सी बाई 5। इक्वल टू क्या होगा? आर बाई 4। इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू के बारे में बात करें तो आप लोगों को पता है के थोड़ा ज्यादा दूर चल गया है, के थोड़ा ज्यादा दूर चल गया है, इसको थोड़ा करीब लाइए, तो के माइनस 273 के बारे में बात करें, अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब? 5 के बारे में बात करते हैं। अब ई रिलेशन अगर तुमको याद है बबुआ, ई रिलेशन अगर तुमको याद हो गया तो समझो कि तुम्हारा बेरा पार हो जाएगा। ई रिलेशन तुमको याद करना है, या तो फॉरेनहाइट को इसके साथ रिलेट करो, या तो फॉरेनहाइट को इसके साथ रिलेट करो, या तो फॉरेनहाइट को इसके साथ रिलेट करो। अब देखो दो पार्टनर को खोजना है, अब दो पार्टनर में कौन है भाई साहब? तो एफ माइनस 32 अपॉन क्या है? 9। यहाँ पे क्या है? के माइनस 273 अपॉन में क्या है? 5। खेला खत्म हो चुका है। अब देखो भाई साहब बोल रहा है कि किसी दिन स्थान का तापमान फॉरेनहाइट पैमाने पर 113 है, तो बबुआ 113 में से 32 को घटाओ और 9 को भाग दे, बाबू हमारा के माइनस 273 अब बटा में क्या कर दो? 5 कर दो भाई साहब, बटा में क्या कर दो? 5 को कोई आंच नहीं है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, आपका कैलकुलेशन ज्यादा स्ट्रांग होगा। 113 माइनस 32 घटा ही लीजिए कितना हो जाएगा, चलिए एक बार यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 113 माइनस 32 और यहाँ पे अगर बात करते हैं इनटू में क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इक्वल टू अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? के माइनस 273 और इनटू में क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो बताइएगा अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 3 में से 2 क्या कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और 11 में से 3 का कितना हो जाएगा? 8, 81 हो जाएगा, और इनटू में 5 हो जाएगा, अब भागा में कितना हो गया? 9 हो गया, नानावा 81 नाना गेले झासी, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा? 273, यानी कि इसको सॉल्व करेगा तो 9 × 5 = 45 है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो के का वैल्यू 273 में 45 को बबुआ हमारा जोड़ दो कितना होगा? तो 5 × 3 = 8, 7 × 4 = 11 और 318। देख रहे हो तो कहीं पे दिख रहा है, यानी कहने का मतलब क्या है कि इस प्रश्न का उत्तर 318 के बारे में बात करते हैं, नाना वाय काशी अनाना गए झांसी, यानी कहने का मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन का आंसर 318 केल्विन की बात करते हैं। आप सभी मेरे प्यारे साथी इस प्रश्न को समझ गए, या किसी को दिक्कत या कहीं समस्या है तो आप लोग मुझे बता दीजिए। कैलकुलेशन आप लोग समझ गए ना, क्योंकि फारेनहाइट के बारे में बात करें और केल्विन से इसको रिलेट करना था, तो इन दोनों बचवा को क्या कर देना भाई साहब? साइड कर देना, ये साइड कर देना, यानी कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब मान लो कि फारेनहाइट और किसमें सेंटीग्रेड की बात करता तो उसमें हम लोग इस दोनों रिलेशन को लेते, ठीक है जी, इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। हाँ, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, कल मिलो चाहे परसों मिलेंगे यहीं पे बरसों, है
बबुआ जी आप कोई भी दिक्कत नहीं है, आप जब मिलना है मिल लीजिएगा, मैं यहीं पे हमेशा मिल जाऊंगा आपको, ठीक है। हाँ बाकी आप थोड़ा सा घूम घाम के आ जाइए, फिर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला कि थर्मस बोतल के बारे में बात करें। अच्छा तुमने कभी एक बात को सोचा, कभी तुमने इस बात पे सोचा, थर्मस को देखा, देखा बचपन में देखा, जब पापा की हमारी ज्वाइनिंग कहीं दूसरे जगह पे थे तो हम लोग भी कभी कभी घूमने चले जाते थे। हाँ तो जब घूमने जाते थे तो उसमें थर्मस में क्या रखा होता था भाई साहब, गर्म पानी। हम बच्चा होते थे तो गर्म पानी पिलाया जाता था ताकि बच्चवा को मतलब दिक्कत ना हो। लेकिन हमको आज तक ये बात उस समय समझ नहीं आती थी कि भाई गर्म पानी गर्मे काहे रह जाता है और ठंडा पानी ठंडे काहे रह जाता है। तो मैंने फिर सोचा कि भाई साहब इस पे थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना चाहिए था, इस पे क्या लगाना चाहिए था, थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए था। तो ये आपके कौन सी प्रक्रिया के अंतर्गत ये काम हो रही है, या तो ना हानि की उष्मा हो रही है, ना उष्मा की हानि हो रही है, ना ही उष्मा का लाभ हो रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये आपके कौन सी प्रक्रिया के अंतर्गत ये आपका गर्म का गर्मे रह जाता है और ठंडा का ठंडे रह जाता है। तो ये आपके रुद्रस्म प्रक्रिया के तहत आता है। वैसे भी नहीं समझे तो आप आसान भाषा में समझिए कि इसके बारे में अगर बात करते हैं तो आप लोगों को पता है कि इसमें उष्मा के संचरण की बात करते हैं तो इसका प्रोसेस आपके किसके तहत काम करता है, चालक के बारे में बात करते हैं, या आपके संवहन के बारे में बात करें, या आपके विकिरण के द्वारा बात करते हैं तो चालक के द्वारा, संवहन के द्वारा और विकिरण के द्वारा इसमें कोई भी उष्मा की हानि नहीं होती है और जो इसमें उष्मा का संचरण होता है वो आपके रुद्रोष्म प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। लेकिन बबुआ देखिए तो दूर की बात हो गई, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि जो आपके थर्मस बोतल एवं पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो इस पे आपके सिल्वर लेयर को चढ़ाया जाता है। इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेगा, हाँ इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेगा, ठीक है जी, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेगा। देखिए ये भी आपके क्या होता है, एक आपका रिक्टर पैमाना होता है, रिक्टर स्केल के बारे में आप समझते हैं ना, एक आपके क्या होता है फॉरेनहाइट स्केल होता है, एक आपके क्या होता है डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, एक आपके क्या होता है ये केल्विन की बात करते हैं। तो ये भी आपके क्या होता है तापमान मेजर करने का निरो एक पैमाना होता है जिसको रिक्टर स्केल के नाम से जाना जाता है। समझ गए बबुनी, बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन समझ गए, अगला क्वेश्चन देखिए। अब थोड़ा सा ना आपको साइंस में इंटरेस्ट दिलाऊंगा क्योंकि बहुत कुछ दिनों से मजा नहीं आ रहा था उस प्रकार का, ये मतलब पढ़ाने में और पढ़ने में भी, लेकिन अब इस पे थोड़ा सा मेहनत जारी रहेगा और जब मेहनत जारी रहेगा तो बहुत चीजें आपको सीखने को मिलेगी, इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। चलो आपको एक अलग सा क्वेश्चन दिखाता हूँ, जरा सा इस क्वेश्चन का आंसर बताना। निम्नलिखित में से एक जंतु की त्वचा श्वसन अंग है, कौन सी जंतु की जो त्वचा है वही आपके श्वसन अंग के तौर पे देखी जाती है। यानी इंग्लिश में बात करें तो इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल स्किन इज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में बात करते हैं, तो किसका है भाई साहब, क्या आपके कॉकरोच का है, क्या आपके शार्क का है, क्या आपके व्हेल का है, क्या आपके फ्रॉग का है। तो फ्रॉग के बारे में बात करें, इस प्रश्न का सही जवाब आपके पास हो जाएगा, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। किसके बारे में बात करें, फ्रॉग के बारे में बात करते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, फ्रॉग की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग अच्छे से देखिएगा, अगर आप पूछा जाए, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आप लोग देखिए। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि मूत्रालयों के पास नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है, भाई साहब मूत्रालयों के बारे में बात करते हैं, जहां भी आपके क्या होता है ये सब होते हैं, तो आप सभी लोगों को पता है जिसको यूरिनल्स कहा जाता है इंग्लिश में, तो मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है भाई साहब, तो क्या सल्फर डाइऑक्साइड, नहीं भाई साहब, ये सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ना इसको क्रैकिंग गैस के नाम से जाना जाता है, और ये किसके लिए उत्तरदायी है, तो ये आपके अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। और जब अम्लीय वर्षा से आप अम्लीय मिट्टी के तरफ आप जाओगे तो अम्लीय मिट्टी पर किसके ज्यादा उत्पादन की बात करते हैं, कि कहा कौन ज्यादा उपजाऊ होता है, तो आपकी बात करें चाय की खेती की बात करते हैं, इसको याद रखेंगे। क्लोरीन के बारे में बात करें बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इसी क्लोरीन के माध्यम से आपको ये जानना है कि CaOCl के बारे में बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की बात करें, और इसी का नाम क्या है, विरंजक चूर्ण के बारे में बात करते हैं, ये क्या है भाई साहब, विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर के तौर पे देखा जाता है, और इससे जो है आपका लिपापोती में भी थोड़ी सी सुविधा मिल जाती है, इसको आप लोग याद रखिएगा।
लेकिन इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो अमोनिया इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेगा। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले अमोनिया को किसने प्राप्त किया था और कौन से विधि के तहत प्राप्त किया था, कैसे प्राप्त किया था। ये क्वेश्चन बहुत मजेदार होने वाली है। तो आप बोलेंगे कि देखो सर, नौसादर के बारे में आप लोगों ने नाम सुना है। जी सर, जी सुना है। नौसादर कहने का मतलब क्या है, NH4Cl के बारे में बात करें, यानी कि अमोनियम क्लोराइड की बात करते हैं। अमोनियम क्लोराइड को चूना के साथ गर्म कर दो, और जब अमोनियम क्लोराइड को चूना के साथ गर्म किया तो देखा क्या निकला भाई, नाम क्या है, अमोनिया के बारे में बात करते हैं। और अमोनिया के बारे में बात करते हैं, इसको सूंघने मात्र से ही आपके आंख में आंसू आ जाता है। वो प्यार ब्रेकअप वाला आंसू नहीं, ये भाई साहब ये अमोनिया के चलते आंसू आया है। और कैसे आंसू आएगा, यानी कहने का मतलब क्या है कि जब आप इस गैस को केवल सूंघते हैं तो इससे आंसू आ जाता है। इसका मतलब ये अश्रु गैस का भी काम करेगा। और सबसे पहले अमोनिया को किसने प्राप्त किया था, तो भाई साहब ये वाक्य है 1773 के, जब एक साइंटिस्ट है जिसका नाम प्रिस्टले है, उसने क्या किया, अमोनियम क्लोराइड को चूना के साथ लिया और भाई साहब गर्म कर दिया। जब गर्म कर दिया तो ये नरम पड़ गया, यानी कहने का मतलब अमोनिया NH3 का फॉर्मेशन हो गया। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। किसके बारे में बात करें, NH3 के बारे में बात करते हैं, तो इसका फॉर्मेशन हो गया। और इस अमोनिया को बनाने में अगर बात करें तो इसमें आपके नाइट्रोजन की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा सकती है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखें। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं आप मूत्र के बारे में बात करते हैं, यानी कि यूरिन के बारे में बात करते हैं, तो इसका पीएच मान कहीं पे बताया जाता है कि 6 भी इसका पीएच मान होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसका होता है बबुआ जी, तो जल के बारे में बात करते हैं, तो मूत्र में 95% आपको जल देखने को मिलेगा। लवण की मात्रा की बात करें तो 2% आपको लवण की मात्रा। अगर आप बात करते हैं यूरिक एसिड के बारे में बात करते हैं, तो इसमें 0.3% आपके यूरिक एसिड की मात्रा पाई जाएगी। और इसमें एक विशेष प्रकार का वर्णक भी पाया जाता है, और इसको किसके नाम से जाना जाता है, यूरोक्रोम के नाम से जाना जाता है। और इसी यूरोक्रोम वर्णक के पाए जाने के चलते मेरे प्यारे साथियों, आपका जो मूत्र का रंग होता है वो पेल येलो होता है, यानी कि हल्का पीला होता है। इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है जी। हाँ, 1774 में शायद मैंने 73 बोला है, लेकिन शायद 1770-71 की बात करते हैं, 1771 आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 1771 क्या बताया मैंने, 1771 की बात करते हैं, ना 73 ना 74, याद रखना बबुआ 71। क्या याद रखना है भाई साहब, 71 के बारे में बात करते हैं। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अमोनिया का रासायनिक सूत्र मैंने लिख दिया, NH3 होता है मोहतरमा। हाँ बिल्कुल, एकदम आपने सही बताया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है भाई साहब, बोला है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। अच्छा, ऑक्सीजन किसमें अनुपस्थित होता है, तो क्या सीमेंट में अनुपस्थित होता है, बिल्कुल नहीं। क्या मिट्टी में अनुपस्थित होता है, बिल्कुल नहीं। क्या कांच में अनुपस्थित होता है, बिल्कुल नहीं। लेकिन ऑक्सीजन के बारे में बात करें, ये आपके केरोसिन के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपके ये अनुपस्थित रहता है। इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ऑक्सीजन की मात्रा जो है हमारे शरीर में, ऑक्सीजन का कितना परसेंट योगदान होता है, तो 65% की बात करते हैं। अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन के योगदान की बात करें तो 21% की बात करते हैं। ये सारी की सारी बातें ना आपको बेहतरीन तरीके से पता होनी चाहिए। तो आप सभी लोगों को पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, केरोसिन। और इसी केरोसिन में किसको डुबाकर सुरक्षित रखा जाता है, तो सोडियम के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सोडियम क्या है, अति सक्रिय धातु के तौर पे देखा जाता है। इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। चलेगा, टीयर गैस क्या है भाई साहब, टीयर गैस के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन सल्फाइड, नहीं भाई साहब, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, H2S की बात करें, और हाइड्रोजन सल्फाइड का जो गंध होता है ना, ये सड़े हुए अंडे के जैसा होता है। क्या होता है भाई साहब, सड़े हुए हाइड्रोजन के जैसा, सड़े हुए आपके किससे, अंडे के जैसा होता है, इसको याद रखिएगा। और हाइड्रोजन कार्बाइड के जगह पर यहीं पे मुझे याद आ गया, कैल्शियम कार्बाइड के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में भाई साहब, कैल्शियम कार्बाइड की बात करें, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaC2 के बारे में बात करते हैं। और ये कैल्शियम कार्बाइड जो है फलों को पकाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, यानी कि टीयर गैस के तौर पे हम लोग केवल और केवल अमोनिया की बात करेंगे। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित गैसों में से वो कौन सी गैस है जो पृथ्वी सतह के निकट वायु में उपस्थित है तथा जिसकी अधिकतम सांद्रता होती है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा,
ऑक्सीजन इस प्रश्न का सही सही जवाब हो जाएगा, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, आज बहुत सारे मैंने क्वेश्चन जो है ये आपके फिजिक्स के लिए है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि पसीना शरीर को ठंडा करता है, क्यों करता है भाई साहब? तो पसीना शरीर को ठंडा इसलिए करता है क्योंकि त्वचा पर पानी की मौजूदगी शीतलता देती है। गलत बात है, क्योंकि वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ये बात आपके बिल्कुल सही बात है, और इसी के चलते जो है पसीना शरीर को ठंडा करता है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, दुख, दर्द, कष्ट है तो आप लोग मुझे बताइए, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, इस बात को ध्यान देना है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, किसमें भाई साहब? क्लोरीन की मापी जाती है, ओजोन की मापी जाती है, ऑक्सीजन की मापी जाती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस प्रश्न का फिर से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन अधातुओं से अभिक्रिया करने पर ऑक्साइड बनाती है, जो कि आपके कौन से ऑक्साइड होते हैं? ऑक्सीजन अधातुओं से अगर आपकी बात करते हैं, ये क्या करेगी? अभिक्रिया करके क्या बनाएगी भाई साहब? आपके कौन से ऑक्साइड बनाएगी? तो क्या क्षारकीय ऑक्साइड? नहीं भाई साहब, ये ऑक्सीजन जो है अधातुओं से अभिक्रिया करेगी तो अम्लीय ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगी, इस बात को याद रखिएगा। और यहीं पे अगर ये आपके धातुओं के साथ अभिक्रिया करती तो ये क्या बनाती भाई साहब? क्षारकीय ऑक्साइड की बात करते हैं, ये एक दूसरे के विपरीत काम करती है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिएगा, और भी आपके पास क्वेश्चन है, इसको जरा सा देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मीन या मछली के तौर पे आपको देखने को मिलते हैं? अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बता दीजिए। वास्तविक आपके किसके? ट्रू फिश के तौर पे क्या आप लोग सिल्वर फिश को देखेंगे, क्या आपके जेली फिश को, क्या आपके क्रे फिश को, क्या आपके कैट फिश को? अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का उत्तर याद रखना, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कैट फिश के बारे में बात करें, ये आपके ट्रू फिश के तौर पे हम लोग इसको देख सकते हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है जी, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? कैट फिश के बारे में बात करते हैं, इसको आप लोग नोट करिएगा। और ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे बोला जाए कि तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में आपको मदद मिलता है, तो मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलने की बात करें तो इसके बारे में बात करें, इसका नाम क्या है? गैम्बूसिया फिश के बारे में बात करें, जहां भी देखिए कि मच्छरों के लार्वा की बात करते हैं या इनके अंडे की बात करें आपको दिखाई दे, तो उस जगह में, उस तालाब में आप गैम्बूसिया मछली को छोड़ दिए, इसको खा के सब नष्ट उष्ट कर देगी, इस बात को आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। चलेगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, इसके बारे में आप लोग बताइए, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है? दहन पोषक के बारे में बात करें, सपोर्टर ऑफ कंबसन की बात करें, तो फिर से इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ऑक्सीजन आ जाएगा, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। क्या जाएगा? ऑक्सीजन आ जाएगा, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिएगा बाबू जी, अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं। अब आप लोग जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? देखो, स्टार फिश तो मछली होने से नहीं, जेली फिश तो मछली होने से नहीं, लेकिन डॉग फिश के बारे में बात करें या आपके सी फिश, सी हॉर्स के बारे में बात करें, तो ये दोनों के दोनों जो हैं, ये वास्तविक रूप से आप मछली के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो हमारे पास सी और डी दोनों के दोनों ऑप्शन आपसे अच्छे तरीके से याद रखेगा, जिसकी अधिक सांगता है। कौन वाली भाई? चलिए एक बार और देख लेते हैं, कौन क्वेश्चन आप बोल रही हो? हाँ देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित गैसों में से वह कौन सी गैस है जो पृथ्वी सतह के निकट वायु में उपस्थित है? तो पृथ्वी सतह के निकट वायु में कौन उपस्थित है? ऑक्सीजन उपस्थित है, तथा जिसकी अधिकतम सांद्रता होती है, हाँ हाई कंसंट्रेशन इसका होता है, किसका? ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं ही ना, तो इस प्रकार से अगर बात करते हैं, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर आपके पास ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे कि शार्क मछली में क्या 100 हड्डियां होती है, क्या आपके 200 हड्डियां होती है, क्या 300 होती है, क्या आपके जीरो होती है, तो शार्क मछलियों के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपके जीरो आपके हड्डियां होती है, यानी कि ये हड्डी विहीन होती है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेगा।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए। वर्गीकरण की जीव विज्ञान संबंधी पद्धति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक आपके असली मछली के तौर पे आपको देखने को मिलती है? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बता दीजिए। ठीक है जी, इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वर्गीकरण की जीव विज्ञान संबंधित पद्धति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक असली मछली है? तो क्या सिल्वर फिश की बात करें, क्या कटल फिश की बात करें, क्या फ्लाइंग फिश की बात करें? हाँ भाई, फ्लाइंग फिश इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा भाई साहब? तो फ्लाइंग फिश की बात करते हैं, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो जीव विज्ञान संबंधित पद्धति के अनुसार अगर देखा जाए तो ये आपके असली मछली के तौर पे हम लोग किसको देखेंगे, तो इसमें आपके किसके बारे में, फ्लाइंग फिश के बारे में बात करेंगे। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, किसके बारे में, फ्लाइंग फिश के बारे में बात करते हैं। सारे के सारे साथी आपके गलत हैं और इसको आपको अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है। क्या अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है, इसको आप लोग याद रखेंगे। निम्न में से कौन एक आपके मीन है, इसके बारे में आप लोग क्या करेगा, ऑफलाइन कमेंट करके मुझे इसका आंसर कर दीजिएगा। और इससे आधारित और भी बहुत सारे प्रश्न मैं कराऊंगा, जिससे कि आपको इन सबसे रिलेटेड जो समस्याएं होती रहती है वो आपके हाँ नहीं, लेकिन वहां पे क्वेश्चन को आप अच्छे से नहीं पढ़ी, क्वेश्चन को आप अच्छे से यहाँ पे नहीं पढ़ी, यहाँ पे आप पढ़िए। बोला कि वर्गीकरण की जीव विज्ञान संबंधित पद्धति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक असली मछली है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, इसके बारे में बात करते हैं। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, फ्लाइंग फिश के बारे में बात करते हैं, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ऑफलाइन कमेंट में करके बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, ये भी बता देना। बाकी आज से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा इस मतलब क्लास में जान डालूं, क्योंकि बिना साइंस के सिलेक्शन मुश्किल है भाई साहब। अगर आप और भी चीजों की तैयारी करते हैं तो साइंस तो पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी आप लोगों का स्वागत रहेगा आज से आपकी क्लास में, 5:30 या 5:40 पे आपकी क्लास होगी। बहुत ही मजेदार सी क्लास होती है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप लोग क्लास में आ जाना, नहीं हो तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बाकी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद साथियों।